वैसे तो मुझे अपनी सारी परफॉर्मेंस पसंद है, लेकिन मेरा एक एक्ट है सिल्क ट्रपीज, वो ऐसे कपड़ा सा होता है उसके साथ करना होता है, तो वो बहुत डेंजरस है, उसको मतलब कि सर्कस का सबसे डेंजरस एक्ट भी कहते हैं। मामा पापा जब आइटम पे जाते थे ना, तब मुझे पता था कि अभी कोई मुझ पे नजर नहीं रख रहा, तो उस वक्त मैंने बहुत शरारतें करनी, छोटे कभी किसी चीज पे चढ़ के खेलना, कभी किस पे, मुझे फेस पे भी बहुत सारी चोटें इस वजह से लगी है। तो वो जैसे वो रोजा रखते थे, नमाज पढ़ते थे, तो वो मुझे इतना अच्छा लगा था, मेरा दिल कुछ हुआ था ना, तो बस उस दौरान तो प्यार हो गया इसे, तो इसको बताए थे आगे से, फिर उन्होंने मेरा करना शादी का प्रपोज किया था, तो ऐसा हो गया। अंदर का तो हाल पीछे ही छोड़ के आते हैं जी, जब अंदर आते हैं तो फिर हमने क्राउड को खुश करना है। हाँ, काफी बार ऐसा हुआ है, मिस्टेक हो जाती है, गिर भी जाते हैं, अंदर चोट भी लग जाती है, लेकिन जिंदगी यही है, इसे ही फेस करना होता है। मेरा नाम फिजा नवीद है, मैं लकी रानी सर्कस में एक्ट करती हूँ, परफॉर्म करती हूँ। मेरे मल्टीपल एक्ट्स हैं, डिफरेंट हैं काफ़ी, मतलब वायर पे करती हूँ, और इसके अलावा जिमनास्टिक, इसके अलावा हुला हुप, उनके साथ परफॉर्म करती हूँ। ये डिपेंड करता है आपको कितना शौक है इस चीज़ पे, तो मुझे मतलब कि बचपन से ही अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा है, तो मुझ में भी एक जज्बा पैदा हुआ, शौक था मुझे, तो मुझे ज़्यादा अरसा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा एक मंथ का टाइम लगा तो मैंने सीख लिया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अभी ऐसी कोई मिस्टेक की नहीं कि जिसके लिए मुझे डांट पड़े। अगर मिस्टेक हो भी जाए कोई छोटी मोटी, तो वो मम पापा इग्नोर कर देते हैं, स्ट्रिक्ट नहीं है वो। वैसे तो मुझे अपनी सारी परफॉर्मेंस पसंद है, लेकिन मेरा एक एक्ट है सिल्क ट्रपीज, वो ऐसे कपड़ा सा होता है उसके साथ करना होता है, तो वो बहुत डेंजरस है, उसको मतलब कि सर्कस का सबसे डेंजरस एक्ट भी कहते हैं, तो सर्कस नाम ही खतरों से खेलने का है और हमें शौक है, तो वो मेरा फेवरेट है जो मैंने बहुत ज़्यादा शौक से की है। एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ पे, हम लोग ऑनलाइन स्टडी करते हैं अपनी। एक एक्ट था मेरा, वो रिंग के साथ ऊपर जाना होता था, तो वो मतलब तकरीबन उसकी 30-40 feet हाइट थी उसकी ना, तो ये था कि हमारी शो बहुत ज़्यादा हो रहे थे वहाँ पे, तो हाथ थक गए थे मेरे, तो वहाँ से हाथ स्लिप हुए, तो इतनी ऊँचाई से नीचे गिर गई थी मैं, क्योंकि शुक्र है बच गई ठीक। मेरे जो पेरेंट हैं वो भी यहीं पे सर्कस में काम करते हैं, बल्कि हमारी थर्ड जनरेशन है जो सर्कस में काम कर रही है, पहले मेरे ग्रैंड पेरेंट दादा दादी वो करते थे, फिर आगे से पापा पप्पो उनके भाई भी मतलब ताया, फिर आगे से अब हम हैं मेरे कज़न। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नताशा है, ये मेरी कैट है, इसका नाम जेनी है, मेरे पास काफ़ी कैट्स हैं, सबके मैंने अलग अलग नेम्स रखे हुए, ये मेरी बहुत लाडली अच्छी बच्ची मेरे पास। वो ऐसे ये है कि सबसे ज़्यादा ये जो है ना जानवर जो सा है, ये बहुत प्यार मांगता है, कि इसको बहुत प्यार करना चाहिए, बहुत टाइम मांगता है, और फिर इसके साथ इतनी मेहनत करनी पड़ती है, कि मैंने डाले में मुझे 5 years हो गए कैट्स काटना, लेकिन मैं अभी तक इनके साथ प्रैक्टिस करती हूँ। इनके जाहिर सी बात है बहुत ये ऐसा है एनिमल है कि फौरन हर चीज़ से डर जाता है, इसलिए बहुत इनके साथ टाइम देना पड़ता है इनको। कैट्स के साथ तो मुझे 5 years हो गए करते हुए, वैसे मैं 3 years की थी तब से मैंने स्टार्ट किया है, और मेरे मल्टीपल एक्ट हैं, साइकिलिंग है, एरियल नेट है, फिर मैं अपनी सिस्टर के साथ हुला हुप्स करती हूँ, और ये ऐसे है कि वो इतनी छोटी कि उस पर ठीक से ना पाँव रखे जाते हैं ना बैठा जाता है आराम से, लेकिन उस पर इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत लगी, लेकिन अब शुक्र है हो गया। उनके ये जो छोटी साइकिल है ना, इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है, कि इतनी छोटी साइकिल कोई चलाता नहीं है ठीक, बहुत छोटी है, इसलिए इस पे बहुत मेहनत लगी है करने में।
अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद फिजान है, मैं 10 साल का हूँ और मैं लकी ईरानी सर्कस में काम करता हूँ। मेरी एक फैमिली है, उनमें 5 मेंबर हैं मेरे, मेरी मम्मा है, मेरे पापा हैं और मेरी 2 आपियाँ हैं। मैं सर्कस में रिमनी आइटम परफॉर्म करता हूँ और स्टेट वार परफॉर्म करता हूँ, और आपियाँ मेरी क्या कहते हैं रिंगों का एक्ट करती है, रिंग रिवॉल्विंग, तो कभी कभार मैं भी आपियों को देख के आपियों के साथ चला जाता हूँ उस एक्ट में। मैं सर्कस में परफॉर्म भी कर रहा हूँ और मैं ऑनलाइन पढ़ भी रहा हूँ। मैं 6th क्लास में हूँ और हमारे मियाँ साहब ने यहाँ पर सर्कस में मस्जिद का इंतज़ाम किया हुआ है, वहाँ पर कारी साहब भी हैं जो मुझे कुरान पढ़ाते हैं, और माशाल्लाह मैंने मेरा 1 सपारा पूरा कर लिया है। छोटे होते हुए मैं करती थी बहुत शरारतें, मामा पापा जब आइटम पे जाते थे ना तब मुझे पता था कि अभी कोई मुझ पर नजर नहीं रख रहा, तो उस वक्त मैंने बहुत शरारतें करनी। छोटे कभी किसी चीज पे चढ़ के खेलना, कभी किस पे, मुझे फेस पे भी बहुत सारी चोटें इस वजह से लगी है। फिर बाद में ऐसे करना कि जैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो नहीं कुछ किया। फिर जब मैं छोटी थी सर्कस के सब बच्चे मुझसे डरते थे, मैं सबको मारती थी। मम्मा पापा मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, डांटते नहीं है। आप यहाँ भी नहीं, आप यहाँ भी मुझे प्यार करती है, मेरी पूरी फैमिली मुझे प्यार करती है, डांटती नहीं है। हमारा ना लाइफ काम है, यहाँ पर अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे भी। जैसे हम एक्ट कर रहे होते हैं वो डिस्टर्बिंग हमें करना है, शोर मचाना, लेकिन हम अपने एक्ट की तरफ तवज्जो देते हैं, फिर हम ऐसा करके दिखाते हैं कि वो जो शोर मचा रहे होते हैं उनका वो सारा शोर क्लैपिंग के अंदर बदल जाता है, वो भी इतना हैरान हो जाते हैं, वाह कैसा किया है इसने। आपकी तालीम की आवाज फनकार के गाने काटने बाद में। अल्लाह का शुक्र है ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन एक दफ़ा मुझे याद है मेरा आइटम कर रहा था तो मैंने पूरी अपनी बांध ली थी रिमनी, तो मैं ऊपर ही जाने लग पहुंच गया था, लेकिन मेरा हाथ ना लूज था, अभी ऊपर जा ही रहा था, इतनी ऊंचाई पे नहीं पड़ा जहाँ से मैं फिस सकता था, तो मेरी रिमनी लूज थी, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है मैंने पापा को फौरन आवाज़ दी और मुझे फौरन नीचे ले आए और कुछ नहीं हुआ, अल्लाह पाक का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद है और जब से ओशन वाली ये लकी रानी सर्कस में परफॉर्म करता आ रहा हूँ। मेरे से पहले मेरे बड़े भी करते थे काम, हम विद फैमिली थे, सिस्टरें भी काम करती थी, भाई भी काम करते थे, पूरा हमारा ग्रुप होता था। यहाँ जब से लकी रानी सर्कस वजूद में आई है तब से ही हम इस इदारे के साथ वाबस्ता हैं, और फिर कोई ऐसा एक्ट होगा जो मैंने नहीं किया, फ्लाइंग टर्पीस, कैचिंग टर्पीस, बैलेंस टर्पीस, इसके अलावा हॉर्सेस पर जो परफॉर्म करते हैं राइडिंग जिसे कहते हैं हॉर्स राइडिंग, इसके अलावा लिप इन बोर्ड, वायर पर चलना, फिर एनिमल्स के साथ भी परफॉर्म करते रहे। फिर ये मेरी मिसेज हैं, ये यूक्रेन से इनका ताल्लुक है, पूरी फैमिली इसकी इधर ही थी, काफ़ी सारे आइटम्स करते थे ना, लेकिन वो जो अच्छा लगा था इंसान जैसे, वो बहुत अच्छा इंसान था, तो उस टाइम तक ना हम जो कब आए थे रमज़ान महीने थे ना, तो वो जैसे वो रोज़ा रखते थे, नमाज पढ़ते थे, तो वो मुझे इतना अच्छा लगा था, मेरा दिल कुछ हुआ था ना, तो बस उस दौरान तो प्यार हो गए इससे, तो इसको बताए थे आगे से, फिर उन्होंने मेरा कहना शादी का प्रपोज किया था, तो ऐसा हो गया। ये हमारे बॉस थे मियां अमजद साहब, अभी भी बॉस हैं हमारे, लेकिन वो अब यहाँ नहीं होते, पीछे होते हैं हेड ऑफिस पे, तो वो जब हमारे साथ ही होते थे, जहाँ भी हम जाना हमने ट्रैवलिंग करना तो वो बॉस हमारे साथ ही होते थे। वो गए यूक्रेन, गए वहाँ पे उन्होंने वहाँ की सर्कस में इनको परफॉर्म करते हुए देखा, इनके साथ 3 लड़कियाँ और भी थीं, तो इनका एक ग्रुप एटम बड़ा ज़बरदस्त एटम था इनका, उसके अलावा भी 2-3 एक्ट और भी थे इनके, तो फिर यहीं पे हमारा ग्रुप भी यहाँ से पहले से ऑलरेडी मौजूद था, तो फिर ये सिलसिला हुआ काम के दौरान, फिर अंडरस्टैंडिंग हुई, फिर लव हो गया, फिर यहाँ पे मैरिज भी हो गई। नहीं माशाल्लाह मैंने इस्लाम कबूल किया था, फिर ना मैं कुरानी पाक भी पढ़ती थी, माशाल्लाह नमाज भी पढ़ते थे, आगे से अब मेरे बच्चे भी थी ना, वो तालीम भी ले रही थी, वो भी थी कुरानी पाक पढ़ते थे, साथ नमाज पढ़ते थे, हमारा जितने भी शो भी है होते ना, लेकिन हम नमाज लाजमी पढ़ते थे। वाकई तो बहुत से ऐसे गुजरे हैं, यहाँ पे हमारा लाइव काम है, यहाँ पे लाइव गिरते नेट, हालांकि होता है हमारा एक शुरू वाला एक्ट है फ्लाइंग ट्रपीस, आपने देखा होगा,
उसमें नेट भी होता है सेफ्टी के लिए नीचे, लेकिन नेट पे भी अगर अनबैलेंस या अपना वो टारगेट से हटके गिरे तो 2-3 डेथ तो मेरे सामने हुई है इसमें। ये ऐसा ना कि हमारे एक्ट से पहले उसकी वो जो वायर है उसकी फिटिंग हो रही होती है, तो बहुत से टाइम ऐसा हुआ कि उसको फिटिंग के दौरान ही कोई वायर टूट गई है या कोई ऐसा हुआ, तो जहाँ हम होते हैं वो प्लेटफार्म वो गिर गए हैं, तो खुदा ना खास्ता हम अगर ऊपर हों तो वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लाइफ का हमें होता रहता है ऐसा। लेकिन अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, अल्लाह पाक का शुक्र है कि या तो एटम से पहले ऐसा वाकया हो गया या एटम के बाद हो गया, तो अल्लाह पाक ऐसे अपना कर्म रखे। नहीं, बिल्कुल यहाँ तक महदूद नहीं है, लाइफ को एंजॉय भी करते हैं हम तो बड़े, बल्कि अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, समझ रहे हैं, जहाँ कहीं जा भी नहीं सकते लोग, ऐसी ऐसी जगहों में हम पूरा पाकिस्तान घूमते हैं, तो एंजॉय करते हैं ज़िंदगी को। ससुराल चले गए कभी, वहाँ जाके वहाँ भी एंजॉय किया। यूक्रेन माशाल्लाह बड़ा समझ लें वो यूरोप के साथ टच होता है वो मुल्क, और बड़ा अच्छी कंट्री है, वहाँ पे साफ सुथरा माहौल है, तो जाते हैं महीना 2 महीना या जितना भी देख लें, या तो फिर वापसी, तो फिर हमारा पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान है ना। अंदर का तो हाल पीछे ही छोड़ के आते हैं जी, जब अंदर आते हैं तो फिर हमने क्राउड को खुश करना है, आवाम को खुश करना है, अंदर का बाहर का हाल अंदर नहीं लाते हम, बाहर का हाल बाहर ही छोड़ के आते हैं। जो बाहर का हाल अंदर लाएंगे तो फिर तो वो काम नहीं होगा। और ये अब इस वक्त किंग ऑफ दी कॉमेडियन लकी रानी सर्कस का आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफजल खान, मैं तकरीबन जब से लकी रानी बनी है मैं काम कर रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्लाइंग से, फ्लाइंग की है, कैचिंग की है, जगलिंग की है, राइडिंग की है, साइकिल की है, नेफ थ्रू किया है, एक्रोबेट किया है, टोटल काम किया है जी, A to Z में सारी बीच में काम आ जाते हैं। माँ बाप का इत्राम करें, अपने माँ बाप का ख्याल करें, उनका अदब करें, उनके कहने पे चलें। ये मेरे दोस्त के बेटे हैं जी, मोहम्मद इकबाल खान, मार्शल फनकार। माशाल्लाह इस टाइम इनका रिकॉर्ड है कि ये शेरों के बादशाह आएंगे, तो मेरे लिए तो ये बहुत अहम रखते हैं क्योंकि मेरे दोस्त के बेटे हैं और हर कदम पर मैं इनके साथ हूँ। मेरा नाम हुमैरा है और मैं लकी रानी सर्कस की आर्टिस्ट हूँ। मेरा है रिंगटर पीस, हवा में ऊपर होता है रिंगटर पीस, उसमें जिमनास्टिक होती है। ये दरअसल शौक भी था और हमारे बड़े करते थे, इसलिए उन्हें देख देख के हमें भी शौक होने लग गया, तो इसलिए यही शौक भी है हमारा, अपनी खुशी से करते हैं। तो जब अंदर हम परफॉर्म करते हैं
ऑडियंस लाइक करती है, हमें अच्छा लगता है। यहाँ पे दीनी तालीम भी दी जाती है बच्चों को और स्कूल भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। तकरीबन 4 से 5 साल लग गया सीखने में। मैं तकरीबन 4 साल की थी जब से जिमनास्टिक स्टार्ट की है। और जो मेरी टीचर है जिनसे मैंने ये तालीम हासिल की है वो यूक्रेन की हैं, मेरी चाची भी हैं। आज जो भी हूँ उनके बदौलत हूँ, उन्होंने मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी। हाँ, काफ़ी बार ऐसा हुआ है, मिस्टेक हो जाती है, गिर भी जाते हैं, अंदर चोट भी लग जाती है, लेकिन ज़िंदगी यही है, इसे ही फेस करना होता है। इसी का नाम सर्कस है। यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है, हमारे लिए तो बहुत अच्छी है। हर तरीके की सहूलत होती है यहाँ पे और तकरीबन फैमिली सबकी यहाँ पे होती हैं, तो घर वाला ही हमारा यहाँ पे हिसाब होता है सबके साथ। मैं यहाँ पे ही पली बड़ी हूँ और शादी भी मेरी यहाँ पे हुई है। जिससे मेरी शादी हुई है वो भी आर्टिस्ट हैं, यहाँ पे ही इकट्ठे ही एक ही जगह पे रहते थे, तो घर वालों की पसंद भी और मेरी पसंद भी है। जी, मेरा मैसेज यही है कि हम जितनी भी परफॉर्म यहाँ पे लोग करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, इजीली बिल्कुल नहीं है। बहुत मेहनत करके आप लोगों को एंटरटेन करते हैं, तो कोशिश यही किया कीजिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दाद दिया करें और लाइक किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, इसी से खुशी मिलती है हमें। जी, मैं ये दानिश के बारे में बात कर रहा था। ये खानेवाल का रहने वाला है। तो आज से कम बेश 2 साल पहले सर्कस खानेवाल गई थी, तो ये मेरे पास आया, इसने शो देखा, इसने कहा कि सर मैंने आपके शागिर्द होना है। मैंने बारह बार इसको मना किया कि यार ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपनी बात पर टला रहा। तो उसके बाद आखिरकार ये मेरी शागिर्दी हासिल करके रहा है। मेरे पास माशाल्लाह 5-6 मेरे यहाँ पर शागिर्द हैं। ये दानिश है, एक अताउल्ला है, एक साजिद है, एक अदनान है, 2-4 और हैं। तो माशाल्लाह मैं इनको भी साथ साथ ट्रेनिंग दे रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रेनिंग का ये असर है कि बेधड़क होकर, बेखौफ होकर शेरों में घूमते फिरते रहते हैं। तो मेरी दुआएं इनके साथ हैं, अल्लाह ताला इनको, इन सब को कामयाब करे। इनकी माँ बाप की दुआएं इनके साथ हैं। मैंने इन सबको बोला है कि आप मेरे शागिर्द बाद में, पहले आप मेरे छोटे भाई हो सब, तो समझ लें कि मेरे ये फैमिली मेम्बर ही हैं मेरे तरह, जैसे मेरे जानवर, मैं अपने जानवरों को भी अपना फैमिली मेम्बर ही कहता हूँ, और इसी तरह मेरे जो शागिर्द हैं वो भी मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर ही हैं। थैंक यू सो मच। साढ़े शहर खानेवाल च सर्कस लगी, उत्थे मैं आया शो देखन। मैनू उस्ताद होना दा शो बहुत वीआईपी अच्छा लगा। फिर मैं उस्ताद होना गल की भी मैं ताडा शागिर्द पैना चाहना वा। उस्ताद होना कहा ठीक है जी। उस तो बाद फिर मैं इतने आ गया उस्ताद होना को। हम जब जाते हैं ना शेरों के पास, तो हमें किसी बात का डर खौफ नहीं होता, क्योंकि हमारे पीछे उस्ताद होता है। इसीलिए हम शेरों को बेधड़क होकर चले जाते हैं पिंजरे के अंदर।